हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएन स्टडी मेथड। सो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है क्लास सिक्स के चैप्टर नंबर सेवन में भिन्न फ्रैक्शन वाले पार्ट में। इसमें अब हम लोग जितने भी बेसिक्स भिन्न से रिलेटेड हैं, भिन्न सवाल से, उसको हम लोग सीख लिए हैं क्रियाकलाप के माध्यम से। अब इसमें प्रश्न वाली एक्सरसाइज सेवन है। अब उन्हीं सारे जितने भी तरीके हम लोगों ने सीखे हैं, उन्हीं से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इन क्वेश्चन को हम लोग चलिए हल करना शुरू करते हैं। पहला, नीचे दिए गए कथनों में सत्य कथनों के आगे सत्य एवं असत्य कथनों के आगे असत्य लिखिए। ठीक है, सत्य कथनों के आगे सत्य और असत्य के आगे असत्य लिखना है। यहाँ पर पूछा है कि 13/16 और 78/119 तुल्य भिन्न है, तुल्य भिन्न है कि नहीं। तो यहाँ पर नहीं है। तुल्य भिन्न क्या होता है? ऊपर का पहाड़ा और नीचे का पहाड़ा आना चाहिए। तो यहाँ पर 13 कम 13, 13 6 78 ये है, लेकिन 16 में 119 नहीं आता है, तो ये असत्य है। फिर 33/17 एक उचित भिन्न है, ये असत्य है। ये क्या है? अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न कैसे है? जब ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से बड़ी होती है तब वो अनुचित भिन्न होता है, उचित भिन्न नहीं होता। तो यहाँ पर लिखा है उचित भिन्न, जो कि असत्य है। ये क्या है? अनुचित भिन्न है। ये क्या है? अनुचित भिन्न है। फिर 15/22 और 60/88 तुल्य भिन्न है। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि 15 के पहाड़ा में 60 आता है और 22 के पहाड़ा में 88 आता है। तो 15 × 60, ठीक है। आ यहाँ पर 22 × 60 = 44, 22 × 66 = 88 इतना आता है। उसके बाद फिर 23/103 एक अनुचित भिन्न है, असत्य है। अब यहाँ पर ऊपर वाली संख्या छोटी और नीचे वाली बड़ी है, तो ये क्या है? उचित भिन्न है। ये क्या है? उचित भिन्न है। जब ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से छोटी हो तो उचित भिन्न, और ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से बड़ी हो तो अनुचित भिन्न होता है। इसको मैं बहुत बार आपको बताई भी हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर है 13/3 को भिन्न के रूप में 4 सही 1/3 भी लिखा जा सकता है, ये सत्य है। ठीक है, जब ये अनुचित भिन्न है, चूंकि हम लोग मिश्र भिन्न तभी बना सकते हैं जब वो भिन्न अनुचित होता है, अन्यथा वो मिश्र भिन्न बनता ही नहीं है। तो 13/3 अनुचित भिन्न है, क्योंकि ऊपर वाली संख्या बड़ी नीचे वाली से है, इसलिए अनुचित भिन्न है। अनुचित भिन्न को हम मिश्र भिन्न में बना सकते हैं। इसको गुणा करेंगे 13/3 आ जाएगा, 3 × 12 और 12 + 1 = 13। तो 13/3 यहाँ पर है। फिर 3/2 बड़ा है, छोटा है 2/3 से। कैसे है? हम लोग इसको देखे थे, यहीं पर मैं थोड़ा सा करके देखती हूँ। इसको क्या करना है? हमको छोटा बड़ा ज्ञात करना है। लघुत्तम लेंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 6 आ जाएगा लघुत्तम, 2 × 3 = 6, 3 × 3 = 9, और 3 × 3 = 3, 3 × 2 = 2, 2 × 4। तो यहाँ पर देखिए 9/6 है हर को समान करने पर, और 4/6 मतलब कि 9 क्या है? बड़ा है 4/6 से, मतलब 9/6 का मान कितना होगा? 3/2 बड़ा, और 2/4/6 का मान 2/3 होगा, मतलब कि ये सही आंसर है। तो यहाँ पर ये असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि 3/2 बड़ा है। इसको हम लोग हल करके देखे तो इतना आया। उसके बाद फिर -1 बड़ा है 0.01, ये सत्य है, क्योंकि भाई ये भले ये छोटा है लेकिन माइनस से बड़ा है। ये क्या है? भले ये छोटा है लेकिन माइनस और ज़्यादा छोटा हो जाता है, और यहाँ पर पॉइंट दशमलव लेकिन प्लस में ही है, तो ये बड़ा, तो ये कथन सत्य है। फिर 0.2 × 0.3 का गुणा 6 है, यहाँ पर असत्य है। कैसे होगा? क्योंकि भाई 2 × 6, अब इसमें क्या होगा? 2 × 6 दो अंक है, उसके बाद दशमलव लगेगा, पर यहाँ पर तो यहाँ पर एक ही अंक के बाद लगा दिया है, इसलिए यहाँ पर असत्य है ये। उसके बाद फिर 135/10000 = 0.0135 होता है, ये सत्य है। कैसे सत्य है? इसको हम लोग भाग करके देखेंगे तो यहाँ पर 10000
भागित 135 है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, जीरो से पहले बराबर करना होता है, जीरो से हम लोग इसको भाग देंगे 135, उसके बाद फिर दशमलव लगाएंगे, 1 2 3 4 पाँच तो है, ये चार तो है मतलब नहीं जाएगा, तो फिर यहाँ पर जीरो से क्या करेंगे भाग देंगे, तो जीरो से भाग दिए, उसके बाद फिर यहाँ पर दशमलव लगाएं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 10,000 एकम 10,000 एक बार में आया। इसको हम लोग पूरा लिख देते हैं, उसके बाद फिर ये 5 3 और ये कट गया, उसके बाद फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ पर दशमलव लगाएंगे और फिर यहाँ पर 10,000 या 30,000 तो यहाँ पर हम लोग 30,000 लिख देंगे और ये कट गया। अब फिर यहाँ पर 10,000 पंचे 50,000 हो जाएगा, और यहाँ पर ये पूरा कट गया। ठीक है, यहाँ पर पूरा कटा तो 0.0135 यहाँ पर 0.135 है, मतलब ये सत्य है। ठीक है, सत्य है। उसके बाद फिर यहाँ पर दसवा है 0.0056 × 1,000 का 5 और 6 ये उत्तर होगा, ये सत्य है। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर गुणा करके देखते हैं, तो 0.056 × 1,000 तो इतना 56 एकम 56 ऐसे करेंगे इसको। उसके बाद देखेंगे फिर तीन जो है तीन जीरो लगा दिए, कितने अंक बाद दशमलव, 1 2 3 3 अंक बाद 1 2 3 यहाँ पर ये, तो ये 56.000 का यहाँ मा तो नहीं होता है दशमलव के बाद, तो 56 है मतलब ये यहाँ पर सही है, तो ये सत्य हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न भिन्नों को घटते क्रम में लिखें। अब इनको क्या करेंगे, पहले लघुत्तम निकालेंगे उसके बाद घटते क्रम में होगा, तो चलिए मैं आपको अब लघुत्तम निकाल के दिखाती हूँ। देखिए ये है क्वेश्चन, बुक का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हल करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसको लिख लेंगे, 5/6 7/8 और 8/9 लघुत्तम हर का लघुत्तम समापवर्तक लेने पर इतना। अब इसको हर का 6 8 और 9 लघुत्तम समापवर्तक ले लेते हैं, 2 2 3 6 2 4 8 2 9 फिर 2 से लेंगे क्योंकि समसंख्या होता है, 2 2 4 2 9 फिर 2 से लेंगे, 2 1 2 2 9 उसके बाद आप 3 से जाएगा, ये 3 1 3 3 1 3 3 3 9 फिर 3 से जाएगा, 3 1 3 3 1 3 3 1 3 इतना हो गया, 2 2 4 4 2 8 8 3 24 24 3 कितना होता है, 24 3 4 12 2 हासिल आई, 1 2 3 2 3 6 1 7 कितना होगा, 72। तो इसका लघुत्तम समापवर्तक कितना आया, 72 आया। अब इसको क्या करेंगे, भाग करेंगे। अब कैसे भाग करते हैं मैं आपको बताई थी पहले ही, बहुत बार बता चुकी हूँ, अभी भी बता रही हूँ, जो ये नीचे वाली संख्या है इसको 72 से भाग देंगे, जितना उत्तर आएगा उसको उसके ऊपर वाले से गुणा कर देंगे, तो 6 कम 6 ठीक है, 6 2 12 कितना आया, 12 आया, 12 का गुणा हम लोग क्या कर देंगे 5 से कर देंगे, 12 5 60 होता है। उसके बाद फिर यहाँ पर 8 का भाग हम लोग, यहाँ पर 8 का भाग 72 8 9 72 9 आता है, ठीक है, 8 9 72 हो जाता है ना, अब 9 का गुणा हमको क्या करना है 7 से करना है, तो 7 7 9 63 कितना है यहाँ पर, 6 3 7 9 63 उसके बाद फिर 9 है, फिर 9 8 72 8 है, 8 का गुणा 8 से 8 8 64 यहाँ पर कितना आया 64 है। अब ये 60/72 63/72 और ये 64/72 है। अब इसका मान लिख लेते हैं हम लोग, पहले मान नहीं, पहले छोटा बड़ा का क्या बोला है कि बढ़ते क्रम में ना, बढ़ते क्रम में ही बोला है यहाँ पर संख्याओं को, घटते क्रम में बोला है, मतलब हमको इसको घटते क्रम में बनाना है। घटते क्रम मतलब कि सबसे बड़ा क्या है यहाँ पर 64/72, उसके बाद फिर 63/72, उसके बाद फिर 60/72, हर जब समान हो जाता है तो हम इसको छोटा बड़ा
जब निकालते हैं तो जल्दी ही आसानी से पता चल जाता है। अब यहाँ पर 64/72 किसका मान है, किसका मान है ये 8/9 का। 8/ घटते क्रमन घटते क्रम ये बड़ा है, फिर ये बड़ा है, उसके बाद फिर ये, उसके बाद फिर क्या आया है यहाँ पर 63/72, 63 बीच वाली के 7/8 है, उसके बाद फिर ये 60/72, 5/6 है, ये पूरा ये फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट ये वाली है। ठीक है, इसको हम लोग चलिए करते हैं, यहाँ पर हल करते हैं। 1/2, 3/4, 1/6, 7/6, 8/12, इसको हर का लघुत्तम समापवर्तक लेने पर, इतना हुआ लघुत्तम समापवर्तक लेने पर, इसको लघुत्तम समापवर्तक 2, 4, 6, 6, 12 लेते हैं। 2 से 2 एकम 2, 2 दून 4, 2 3 6, 2 3 6, 2 6 12, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 3 2 3 और ये 2 3 6, फिर 3 से जाएगा 3 एकम 3 एकम 3 एकम 3 एकम 3 एकम, ये होगा 2 दूनी 4, 4 3 12, कितना आया इसका लघुत्तम समापवर्तक 12 आया है। फिर ये क्या, मैं इसको यहाँ पर डायरेक्ट करती हूँ, 2 एकम 2, 2 6 12, 6 एकम 6, 4 का 4, 4 3 12, 3 3 9, 3 3 9, 6 6 6 2 12, 2 एकम 2, 6 6 6 2 12, 6 6 6 2 12, 2 2 7 14, और 12 एकम 12, 8 एकम 8, इतना हो गया। तो 6/12, 9/12, 2/12, मैं कई बार इसको समझाई हूँ, आप लोग समझ गए होंगे, और 8/12 इतना है। अब इसको क्या करें, घटते क्रम, मतलब सबसे बड़ा कौन है इसमें 14/12, फिर उससे छोटा कौन है इसमें से 9/12, उससे छोटा 8/12, उससे छोटा 6/12, और उससे छोटा 2/12, फिर इनका इनका मान कितना है, 14/12 किस में आया है सेकंड वाले में, पीछे से 7/6, उसके बाद 9/12 कहाँ पर है, ये सेकंड है, उसके बाद फिर 8/12, 8/12 कहाँ है, 8/12, उसके बाद फिर 6/12, 6/12 कहाँ है, पहला वाला ये, उसके बाद फिर कितना है 2/12, और इसमें 2/12 कहाँ है, 1/6 का, तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। मैं हर एक क्वेश्चन का आंसर एक एक करके बहुत अच्छे समझा रही हूँ, आई होप मेरी इस मेहनत को ज़रूर आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसा कोई भी टीचर नहीं बताएगा। ऐसा बताने का मेरा रीज़न ये है कि बच्चा हर उस सवाल को पूरे अच्छे समझ जाए, उसके बाद फिर उसको बिना देखे वो करे, क्योंकि एक दो बार जब तक बच्चे जानेगा नहीं तब तक उसे बनेगा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, निम्न संख्याओं को घटते क्रम में लिखिए। अब इसको क्या करना है, निम्न संख्याओं को घटते क्रम में लिखना, इनको इनको घटते क्रम में लिखना है इनको, तो चलिए इनको भी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हम इसको अब ऐसे देखेंगे तो हमको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन है बड़ा कौन है छोटा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले हम इसको दशमलव में है तो इसको हम लोग पूरी वाली संख्या में लेके आते हैं कि कितना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, जो ये 0.008 है उसको हम लोग लिखेंगे 0.008 बराबर 1/10,000, इतना लिखे, उसके बाद फिर क्या करेंगे, इतना हुआ। अब ये इसको लिखेंगे 0.08 बराबर कितना हुआ, दशमलव के दो स्थान हैं, 100 हुआ ये, बराबर कितना हो जाएगा 8 का 8/10, इतना हो जाएगा, फिर ये 10/10 से गुणा होगा और बराबर ये कितना हो जाएगा, सॉरी 10/10 से नहीं, 100/100 से गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 800/10,000। उसके बाद फिर ये 0.008 8/8 1,000 हो जाएगा, क्योंकि दशमलव के तीन स्थान बराबर यहाँ पर 8/
एक हजार गुणे दस बटे दस बराबर दस अट्ठे 80 हो जाएगा ये बटे कितना 10,000। उसके बाद फिर ये 8 बराबर 8 बटे 1 बराबर 10,000 बटे यहाँ पर 10,000 होगा तो ये कितना हो जाएगा 80,000 बटे 10,000 इतना हुआ। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा फिर ये 80,000 बटे 10,000 बड़ा 800 बटे 10,000 छोटा छोटा होते जा रहा है ना घटते क्रम। फिर यहाँ पर 10,000 अस्सी बटे 10,000 फिर और छोटा हो गया 8 बटे ये 10,000 इतना हो गया। इस प्रकार से ठीक है ये हो गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट है, नेक्स्ट इसको कैसे करेंगे 0.01 बराबर क्या करेंगे एक बटे दशमलव के दो स्थान है एक बटे 100 गुणे 1000 बटे 1000 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 1000 बटे 10,000 हो जाएगा। उसके बाद फिर 0.009 है तो 99 बटे 10,000 और 902 बटे सॉरी यहाँ पर 99 बटे बराबर 10,000 है गुणे 10 बटे 10 बराबर 990 बटे यहाँ पर 10,000। उसके बाद फिर यहाँ पर 0.00992 बराबर 902 बटे 1, 2, 3, 4 बराबर 902 बटे 3, 4 इतना हुआ। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0.00 ये 12 बराबर 12 बटे 1, 2, 3, 4 10,000 बराबर 12 बटे 10,000 गुणे 10 बटे 10 बराबर 120 बटे 1, 2, 3, 4 10,000 सब 20 बजे 10,000 यहाँ पर हो जाएगा 1,000 बटे 10,000 छोटा 902 बटे 10,000 फिर 990 बटे 10,000 120 बटे 10,000 ये हो जाएगा इसका आंसर। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न भिन्नों को बढ़ते क्रम में लिखो और निम्न का मान प्राप्त करो। चलिए इन दोनों को हम लोग जल्दी जल्दी बनाते हैं ठीक है। अब इसको क्या कहते हैं बढ़ते क्रम में लिखना है, सेम प्रोसेस है इसका भी वैसे ही लघुत्तम निकालना है हमको इसका ठीक है। लघुत्तम निकालना है हर का लघुत्तम समापवर्तक लेने पर यहाँ पर निकाल लेते हैं 6, 24, 2, 2 और ये 8 दो तीन 6, 2 एकम 2, 2 तीन 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौके 8 फिर 2 से करेंगे 2 तीनम 6 12, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तीन 4 फिर 2 से 2 तीनम 2 तीन 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2 फिर यहाँ पर 3 से 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3 इतना हो गया। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिया 24 कितना आया यहाँ पर 24 है 6, 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 24 यहाँ पर आया 24 से कम 24 ना आया फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12, 12 दिया 36 आया फिर यहाँ 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12 एकम 12 फिर 8, 8, 16, 24, 8 दिया 24, 24, 3, 5, 15 इतना आया। अब आपको आप इसको कर लीजिएगा ठीक है भाग कर करके यदि आपको समझ में आए तो 20/24, 9/24, 36/24, 12/24, 15/24
24 इतना हुआ। अब इसे हमको बढ़ते क्रम में करना है, बढ़ते मतलब सबसे छोटा इसमें से 9/24 सबसे छोटा, उसके बाद फिर यहाँ पर 9 से बड़ा कौन सा है, फिर ये 12/24, 15/24, 20/24 ऐसे ऐसे ना, उसके बाद 36/24 इनका मान प्राप्त करना है। 9/24 किस में है, सेकंड वाले में है 9/24, उसके बाद 12/24, 12/24 कहाँ है, ये 1/2 में है, 1/2 में है, उसके बाद फिर 15/24, 15/24 कहाँ है, सबसे आखिरी 5/8, उसके बाद फिर 20/24 कहाँ पर है, 20/24 पहले वाले में 5/6, उसके बाद 36/24 कितने नंबर में है, 36/24 तीन नंबर में, 3/2, ये हो गया इसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर लिख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हल कर लेंगे 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, 2/15, हर का लघुत्तम समापवर्तक लेने पर, हर का लघुत्तम समापवर्तक लेने पर 2, 4, 6, 8, 15, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 15, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 3 2 दूनी 4, 15, उसके बाद फिर 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 3 2 एकम 2, 2 15, फिर 3 से 3 एकम 3, 3 एकम 3, और 3 5 15, फिर 5 से 5 एकम 5, इतना हुआ। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 5 कितना होगा, 24 5 4 5 20 किसान हासिल, 2 2 5 10 2 12, 120 इसका लघुत्तम समापवर्तक कितना निकला, 120 निकला। अब इसको कैसे करोगे आप लोग, 2 6 12 60 आया, 60 एकम 60, 4 3 12 30 आया, 30 एकम 30, 6 2 12 20 आया, 20 एकम 20, 8 एकम 8 और 8 5 40, 15 एकम 15, 8 5 40 आया ना, फिर यहाँ पर 15 7 105, 15 8 120, 20 और 8 2 16 इतना आया ये, तो ये 60/120, 30/120, 20/120, 15/120, 16/120। अब इसको बढ़ते क्रम में मतलब सबसे छोटा पहले लिखना है, उसके बाद सॉरी यहाँ पर 15 आएगा, 15/120, उसके बाद फिर ये 16/120, उसके बाद फिर ये 20/120, उसके बाद 30/120, उसके बाद 60/120 इतना हुआ। अब 15/120 किसका मान है, ये 1/8 का मान है, उसके बाद फिर 16/120 किसका मान है, 2/15, 20/120 किसका मान है, 1/6, उसके बाद 30/120 किसका मान है, 30/120 1/4 का मान है, उसके बाद फिर ये 60/120 किसका मान है, 1/2 का मान है, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो आई होप आपको ये वाला तो बहुत अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बताया है, निम्न का मान ज्ञात कीजिए, तो इन सब का हम लोगों को मान ज्ञात करना है, तो चलिए मान ज्ञात करके मैं दिखाती हूँ। अब इनका मान ज्ञात करना है, हल करके लिखेंगे 1/3 + 5/8 + 3/5 + 7/4 + 13/6, इनका हर का लघुत्तम समापवर्तक लेने, ठीक है, पहले इनका 3, 8, 5, 4, 6 लघुत्तम समापवर्तक ले लेते हैं, 3 एकम 3, 2 2 3 2 4 8, 2 5 2 2 4, 2 3 6, फिर 2 से 2 3 2 2
दो दुनी चार, दो पाँच चंद, दो एकम दो, दो तीनम, फिर दो से दो तीनम, दो एकम दो, दो पाँचम, दो एकम दो, दो तीनम, फिर तीन से तीन एकम तीन, तीन पाँचम और तीन एकम तीन, फिर पाँच से पाँच एकम पाँच, पाँच एकम पाँच, ये पूरा हो गया। दो दुनी चार, चार दुनी आठ, आठ या चौबीस, चौबीस पंचे एक सौ बीस, चौबीस पंचे एक सौ बीस है। अब इसको क्या करोगे, भाग देना है, तीन एकम तीन, तीन चौके बारह, चालीस है, चालीस से कम चालीस, फिर आठ कम आठ, आठ पंचे चालीस पंद्रह है, पंद्रह पंचे कितना होता है पचहत्तर, पंद्रह पंचे पचहत्तर, फिर पाँच कम पाँच, पाँच दूनी दस, पाँच चौके बीस, पाँच दूनी दस, पाँच चौके बीस होता है, लिखे ना सौ बीस, पाँच दूनी दस, पाँच चौके बीस चौबीस, और चौबीस का गुणा तीन से करोगे तो तीन चौके बारह के दो, असल एक दो तियाई छः एक सात, कितना होगा यहाँ पर बहत्तर, प्लस चार तियाई बारह तीस, और तीस का गुणा आप सात, सात तिया इक्कीस, दो सौ दस प्लस छः, छः छः दूनी बारह, छः दूनी बारह तो बीस का गुणा आप तेरह, तेरह तेरह दूनी छब्बीस, तेरह दूनी छब्बीस दो सौ साठ। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे, ठीक है, जोड़ देंगे, जीरो जीरो दो पाँच सात, सात हुआ यहाँ पर, उसके बाद फिर छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस, कितना है यहाँ पर, पच्चीस की पाँच हासिल आई दो, दो दो चार पाँच छः, छः आया, छः सौ कितना संतावन बटे एक सौ बीस हुआ। अब इसको क्या कर देंगे, कटा देंगे, किससे कटेगा, तीन से आई थिंक कट जाएगा, तीन दूनी छः, तीन एक कम तीन, तीन या सत्ताईस और तीन चौके बारह, इतना हुआ दो, इतना और ये चालीस, ये क्या हो गया, अनुचित भिन्न है, क्या हो गया, अनुचित भिन्न, क्योंकि ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से बड़ी है, तो इसको क्या करेंगे, मिश्र भिन्न करेंगे, मिश्र भिन्न करेंगे तो क्या होगा, ये पाँच सही उन्नीस बटे चालीस, यहाँ पर चालीस है, चार पंचे बीस मतलब दो सौ, दो सौ में उन्नीस जोड़ेंगे तो दो सौ उन्नीस हो जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर है, यहाँ पर ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट का मान ज्ञात करते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट हल करते हैं, फिर इसको हम लोग ये नौ पॉइंट नौ पॉइंट ज़ीरो नौ पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो नौ पॉइंट ज़ीरो 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 नौ, इतना हुआ। अब इसका मान हम लोग ज्ञात करते हैं, कैसे करेंगे हम लोग, नौ है, नौ नौ माइनस का हम लोग क्या करेंगे इसमें ज़ीरो पॉइंट नौ, फिर ये प्लस होगा, इसका गुणा होगा तो ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो नौ, इसको लिख दिए, ये प्लस हो जाएगा, उसके बाद फिर ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो नौ, इसको लिख दिए, ठीक है, यहाँ से शुरू किए हैं हम लोग, एक लगता है अधिक लिखाया है, ठीक है, ये हो गया, ये हुआ और ये हुआ, ये वाला कहाँ गया, खैर नौ माइनस इन सब को जोड़ दिए तो कितना आया, नौ नौ नौ, इतना आया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, नौ पॉइंट ज़ीरो 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 माइनस नौ पॉइंट नौ नौ नौ, नौ को घटाएंगे कितना आएगा यहाँ पर, आठ आठ एक, कैसे, नौ पॉइंट नौ नौ को आप लोग घटाओगे तो कितना हो जाएगा, नौ 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 दशमलव ज़ीरो, यहाँ पर आप लोग इसमें क्या करोगे, दस दस के शून्य हासिल एक, ये पूरा कितना हो जाएगा आपका, आठ नौ 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 पूरा ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, और यहाँ पर ये आठ इतना ये उत्तर आ जाता है, ये हुआ इसका मान। नेक्स्ट का मान देखिए, अब ये थोड़ा इधर गलत था, ऐसा है ये क्वेश्चन, इसको ऐसा लिखिए, अब यहाँ पर क्या आया है, भाग भाग को क्या करते हैं हम लोग, उलट देते हैं, पहले तीन बटे चार, सात बटे पाँच गुणे चार बटे तीन, अब इसको गुणा करेंगे तो पंद्रह बटे अट्ठाईस हो जाएगा। अब इसको कटाएंगे, चार एकम चार, चार एकम चार, इतना हुआ, ये तीन एकम तीन, ये कट गया, सात एकम सात, सात चौके अट्ठाईस, और ये पाँच एकम पाँच, पाँच तिहाई पंद्रह, कितना है यहाँ पर, तीन बटे चार, ये हो गया मान।
आंसर है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हल देख लेते हैं। 13/27 गुणे 3/26 भागित 1/18 है। इसको फिर से हम लोग 13/27 गुणे 3/26 गुणे, अब इसको गुणा कर देंगे तो ये पलट जाएगा इतना। अब ये 13 कम 13, 13 दूनी 26, 2 एकम 2, 2 नियाँ 18, 3 एकम 3, 3 नियाँ 27, और ये 9 एकम 9, 9 एकम 9 हो गया, 9 के 9 बराबर यहाँ पर 1, ये हो गया आंसर। कट के इतना ही ये आंसर आया है, ये मान प्राप्त हो गया। आई होप ये मान प्राप्त वाला आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें और इसको मान प्राप्त करना है, चलिए इसको भी देखते हैं। नेक्स्ट इनका भी मान प्राप्त करना है, इनको क्या करेंगे, हल करेंगे, लघुत्तम निकालेंगे, ठीक है। ये जोड़ना और घटाना है, जितने भी हम लोगों ने क्रियाकलाप में पढ़ा है वही पूरा दिया हुआ है। लेने पर इसको क्या करेंगे, 6, 4, 2 लघुत्तम ले लेंगे, 2 3 6, 2 2 6, 2 1 2, 2 3 6, उसके बाद फिर 2 से 2 3 2 1 2, 2 1 2, 2 3 3 1 3, 3 1 3, 3 1 3, 3 1 3, ये हो गया 2 2 4, 4 3 12 है, 6 6 6 2 12, 6 2 12, 17 17, 17 2 34, 17 2 34, फिर ये 4 4 3 12, 19 कम 19, 19 2 38, 19 51 होता है ना, 9 9 18 27, 19 57 होता है, प्लस 2 6 12, 6 5 30, प्लस 4 3 4 12, 4 4 16 इतना हुआ। अब इसको जोड़ देंगे, 6 7 6 7, 6 6 12, 1 13, 13 14 15 16 17, 17 की 7 हासिल 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितना हुआ यहाँ पर 137/12। यहाँ पर ये क्या है, अनुचित भिन्न है, क्योंकि ऊपर वाली संख्या बड़ी आ गई है। इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको मिश्र भिन्न में बदलेंगे, तो 12 कम 12, 5 24, 12 3 36, 12 10, 12 11 कितना होता है, 12 और 11, तो 1 2 2, 1 1 1, 1 2 2, 1 1 1, 2 3 1, 132 होता है, ठीक है। तो 12 132, इसमें कितना हम लोग जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे, तो ये पूरा कितना आ जाएगा, 1 3 और ये 7 आ जाएगा, मतलब 5 11 सही 5/12, ये हो जाएगा इसका मिश्र भिन्न, ये मान ज्ञात हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हल करेंगे, 6/7 + 13/14 - 9/21 है, इसका क्या करेंगे, लघुत्तम निकाल लेते हैं, 21 2 7 14 21, फिर 3 से 3 7 3 7 3 7 21, फिर 7 से 7 1 कम 7 7 1 कम 7 7 1 कम 7, 2 3 6 6 7 28 28 है यहाँ पर, 28 लिखे, फिर 7 1 कम 7 7 7 21 7 4 28, 4 से 4 6 6 6 6 12 6 6 6 12 6 18 6 6 24, कितना हुआ, 24 + 14 14 14 2 2 28, तो 13 13 2 26 हो गया यहाँ पर। उसके बाद फिर 21 से कम 21, यहाँ पर तो नहीं घट रहा है। नेक्स्ट को हल करके देखते हैं, 6/7 + 13/14 - 9/21, अब इसका हम लोग निकालते हैं, 7 14 21, इसको क्या करेंगे, पहले 2 से करेंगे, ठीक है, 2 से 2 7 2 7 14 और 2 21, हम उसके बाद फिर 3 से करेंगे, 3 7 3 7 3 7 21, ठीक है। उसके बाद 7 से करेंगे, 7 1 कम 7 7 1 कम 7, 2 3 6 6 7 42, इसका लघुत्तम कितना आया, 42। अब इसको हम लोग तो 6 7 6 7 7 7 7 7 8 7 5 7 42, कितनी बार में, 6 बार में, तो 6 6 36, इधर 6 6 36, फिर 14 14 14 2 28 14 3 42, और 13 कम 13 3 6 13 39 हुआ है यहाँ पर। उसके बाद फिर 21 की 21 21 2 42 और 9 2 18 हो गया। अब इसको हम लोग पहले जोड़ लेते हैं, 6 9 10 की 15 हासिल 1 6 6 1 7 - 18/42,
अब यहाँ पर 15 में से 8 गया बचा 7, और यहाँ पर 6, 6 में से 1 गया बचा इतना, कितना हो गया 42। ये अनुचित भिन्न है। अनुचित भिन्न को हम लोग क्या करेंगे, 42 से कम 42, 42 तो नहीं, कितना होता है देख लेते हैं, इतना हुआ ठीक है। अब इसको कटेगा तो कटा देते हैं, 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 चौके 12, और 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 या 27 कितना है, ये 19/14 है। यहाँ पर भी अनुचित भिन्न आया है। अब इसको 14 कम 14, 14 में कितना जोड़ा है तो 9 आया है, हाँ तो 14 में हम 14 कम 14 में 9 जोड़ा है, तो यहाँ 14 कम 14, 14 में 9 जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 19 आ जाएगा। ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ये मान हम लोगों ने प्राप्त कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, रिक्त स्थानों को भरिए। अब 4/5 है, इसमें हम लोग 5 में कितने गुणा हुआ, 30 हुआ, तो 5 में 6 गुणा 5 छक्का 30, 30 में 6, 6 6 चंग 24, कितना हो जाएगा यहाँ पर 24। उसके बाद 5 में यहाँ पर 11 का गुणा किया, यहाँ 5 11 55 आया है, तो यहाँ में यहाँ पर भी 11 गुणा 77 आ जाएगा, यहाँ पर 77। उसके बाद फिर ये इसमें कितना गुणा किया है, 42, तो 7 छंग 42, 6 का 6 छक्का 36 यहाँ पर हो जाएगा। 9 दुनी 18 है, तो यहाँ 2 4 दुनी 8, यहाँ पर इतना हो जाएगा। निम्न में से उचित व विषम भिन्न को छांटिए, मतलब उचित और अनुचित भिन्न हमको छांटना है। उचित भिन्न हम किसको कहेंगे, जिसके अंश छोटा होगा हर से। अनुचित भिन्न को किसको कहेंगे, जिसका अंश बड़ा होगा हर से। तो यहाँ पर ये अनुचित भिन्न है 17 वाला, फिर यहाँ पर ये अनुचित भिन्न है, फिर यहाँ पर ये अनुचित भिन्न, और ये भी अनुचित भिन्न है। बाकी ये उचित भिन्न, ये भी उचित भिन्न, और ये भी उचित, क्योंकि ये अपने हर से छोटे हैं, और ये भी उचित भिन्न है ठीक है। तो यहाँ पर ये अनुचित भिन्न में मैं गोला लगा देती हूँ, अनुचित भिन्न में क्या लगाती हूँ, मैं गोला लगा देती हूँ ठीक है। और बाकी क्या है, ये बाकी ये सब क्या है, उचित भिन्न है। जिसमें गोला लगा है वो अनुचित भिन्न, जिसमें नहीं लगा है उचित भिन्न। साथ ही निम्नलिखित का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। अब इसका स्थानीय मान ज्ञात करना है, जैसे हम लोग टेबल में किए थे वैसे ही करेंगे। चलिए इसको भी मैं बताती हूँ। अब यहाँ पर इसको देखिए, इसको हल करते हैं। पहले तो ये 8 800 के स्थान पर है, फिर उसके बाद 4 40 के स्थान पर, और 3 3 के स्थान पर है। उसके बाद फिर ये दशमलव किधर जाएगा, दशमलव के पहले स्थान पर ये है 2 है, दशमलव के दूसरे स्थान पर ये 3 है, इतना हुआ। अब इसको हम लोग बराबर कर लेते हैं ऐसे करके, और ये ऐसे करके, ये और 0 लगा लगा के हम बराबर कर ले, इसको जोड़ेंगे 3 2 3 4 8, देखिए उतना ही आंसर आ गया। फिर यहाँ पर ये 14 है ठीक है, 14 8 7 6 है, तो ये 10 के स्थान पर है ठीक है, इकाई दहाई 10 के स्थान पर, 4 इसके स्थान पर। उसके बाद फिर ये दशमलव के पहले स्थान पर 8 है, दशमलव के दूसरे स्थान पर 7 है, दूसरे स्थान पर सॉरी, दशमलव के तीसरे स्थान पर ये 6 है, 6 7 8 4 और 1, इतना ये उत्तर आया। उसके बाद फिर नेक्स्ट 8 7 6 4.0314, एकदम सरल भाषा में इसको समझा रही हूँ। 8 8000 के स्थान पर है, 7 700 के स्थान पर है, 6 60 के स्थान पर, और यहाँ पर ये 4। फिर इधर ये दशमलव के स्थान पर है, ये दशमलव के पहले स्थान पर ये 0 हुआ, दशमलव के दूसरे स्थान पर ये 3 है, और दशमलव के तीसरे स्थान पर ये 4 है, इसको जोड़ेंगे 4 3 0.4 6 7 और ये 8, एकदम सेम आंसर आया, एकदम सही सही आंसर आया है, कुछ भी इसमें कंफ्यूजन की बात नहीं है ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, तो इस पार्ट का मैंने सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से इसको समझाई हूँ, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर कोई भी टीचर नहीं करेगा,
ये आप लोग जानते ही हैं। एक दो क्वेश्चन बताएंगे उसके बाद फिर आपको हल करने के लिए देंगे। मैं बताई हूँ इसलिए क्योंकि आप हर एक क्वेश्चन को सही तरीके से हल करें, उसके बाद फिर आपको हमेशा के लिए याद रहें। यहाँ पर हमने शिखर को थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले किसी भी भिन्न को अनेक समतुल्य भिन्नों में बदला जा सकता है, इसके लिए भिन्न के अंश व हर को समान संख्या से गुणा या भाग किया जाता है। तो किसी को भी हम लोग अनंत तक मतलब बहुत लंबे तक समतुल्य भिन्न निकाल सकते हैं, बस उसके अंश एवं हर में समान संख्या का भाग और गुणा हो। दूसरा, भिन्नों की तुलना यदि भिन्नों का अंश बराबर हो तो छोटी हर वाली भिन्न बड़ी भिन्न होती है। यदि भिन्नों के नीचे वाली संख्या सारे बराबर हो तो ये छोटी हर वाली भिन्न बड़ी भिन्न होती, सॉरी अंश अंश क्या है, ऊपर की संख्या यदि बराबर हो तो छोटी हर वाली भिन्न छोटी हर वाली भिन्न बड़ी भिन्न होती है, और जितनी बड़ी हर वाली होगी उतनी ही छोटी होगी। मतलब कि 1/2, 1/8, 1/15, 1/120, इसमें ये 1/120 सबसे छोटा है और 1/2 सबसे बड़ा है, क्योंकि ऊपर वाली संख्या इसकी बड़ी है, ठीक है। और नेक्स्ट है, यदि भिन्नों का हर बराबर हो तो बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होगी। अब इसमें क्या होगा, 2/1, 8/1, 15/1 और 120/1। इसमें अब नीचे वाली संख्या, नीचे वाली मतलब हर पूरा बराबर है, तो इसमें का भिन्न जितना बड़ा होगा इसके ऊपर वाली उतनी ही बड़ी भिन्न होगी। तो 120/1 ये सबसे बड़ी भिन्न है, और इसमें ऊपर वाली बराबर है तो 1/2 सबसे बड़ी भिन्न है। मतलब कि ऊपर वाली यदि बराबर होता है तो उसका बटे में जितनी भी बड़ी संख्या होगी वो सबसे छोटी कहलाएगी, और जिसका हर बराबर होता है उसके ऊपर में जितनी बड़ी संख्या होगी वो बड़ी संख्या कहलाएगी, और ये बड़ी संख्या छोटी कहलाएगी इसमें, ठीक है। कन्फ्यूज़न हो गया, कन्फ्यूज़ दूर कर लीजिएगा। तीसरा, यदि भिन्नों की तुलना हर का लघुतम समापवर्तक लेकर सभी भिन्नों को समान हर भिन्न बनाकर किया जा सकता है। हम लोगों ने सभी भिन्न को जोड़ना घटाना किए तो उसमें हर का लघुतम लेकर ही उसको समान बनाकर छोटा बड़ा बना सके हैं। तीसरा, जिन भिन्नों का हर अंश से छोटा होता है उन्हें विषम या अनुचित भिन्न कहते हैं। तो जो भिन्न अंश से क्या होता है, छोटा होता है, नीचे वाला अंश से नीचे वाला भाग, हर वाला भाग छोटा हो तो वो अनुचित भिन्न, और जिन भिन्नों का हर अंश से बड़ा हो उसे उचित भिन्न कहते हैं। और जो भिन्न जिन भिन्न का क्या होता है, अंश मतलब ऊपर वाली संख्या बड़ा हो और नीचे वाली संख्या छोटी हो तो वो उचित भिन्न होता है। पांचवा, जब दो भिन्नों का गुणा करते हैं तब अंश का अंश से व हर का हर से गुणा होता है, ये बात हम लोग बहुत पहले ही देख चुके हैं। छठवां, भिन्न से भाग देने में भाजक भिन्न संख्या उलट जाती है एवं भाग की जगह गुणन चिन्ह लग जाता है। अब भिन्न से जब हम लोग भाग देते हैं तो भाजक भिन्न क्या हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है, मतलब उसको उलट दिया जाए, अंश हर में हर अंश में हो जाता है। इस प्रकार हम लोग भाग बहुत आसानी से भिन्नों का भाग हल कर लेते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको इस वीडियो में प्रश्नावली ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट न्यू कॉन्सेप्ट न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।